हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर द कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ द कार्बन एलिमेंट। क्या ये कोवेलेंट कंपाउंड है? डायमंड और ग्रेफाइट जो होता है वो कार्बन एलिमेंट का एक कंपाउंड है। तो देखो, कोवेलेंट नेचर रखता है, ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये कोवेलेंट नेचर रखता है। कोवेलेंट नेचर क्यों रहता है? कोवेलेंट नेचर कब आता है? जब कहीं पर स्टेटमेंट जो यानी कि कोवेलेंट नेचर तब आता है जब दो मॉलिक्यूल के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, तभी कोवेलेंट नेचर आता है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या डायमंड और ग्रेफाइट जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड है? तो एक्चुअली कार्बन जो है, कार्बन एलिमेंट जो है, इसका ये एलोट्रोप है, ठीक है। कार्बन एलिमेंट का डायमंड और ग्रेफाइट जो है ये एलोट्रोप है। तो हम लोग लिख सकते हैं डायमंड एंड ग्रेफाइट इज अ एलोट्रोप ऑफ कार्बन विच हैज कोवेलेंट प्रॉपर्टीज। देखो, कोवेलेंट प्रॉपर्टी क्यों होगा, इसका स्ट्रक्चर से पता चल सकता है। एक कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन 2-4, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन का नीड होता है। तो डायमंड जो होता है अपना स्ट्रक्चर कैसे ऐसा रखता है, एक कार्बन यहाँ पे है, ये एक कार्बन 4 अलग अलग कार्बन कंपाउंड से जुड़ा होता है, ठीक है। अब ये 4 से जुड़ा हुआ है, दूसरा फिर उसी तरह 4 से जुड़ा होगा, 1, 2, 3, 4, फिर ये भी जुड़ा होगा, 1, 2, 3, 4, ये भी जुड़ा होगा, 1, 2, 3, 4। तो इस तरह से डायमंड देखोगे तो क्या हो रहा है, कार्बन और कार्बन एटम के बीच में क्या होता है, शेयरिंग होता है, ठीक, शेयरिंग हो रहा है। ये अनलिमिटेड तरीका से हो सकता है, तो ये एक तरह कोवेलेंट कंपाउंड की तरह वर्क करता है। उसी तरह ग्रेफाइट की बात करें, ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, हेक्सागोनल यहाँ पर रिंग होता है, ठीक है, और एक कार्बन एटम जो होता है अदर 3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है, अदर 3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है, इस तरह से ये इस तरह से जुड़ा होता है। यहाँ तो कार्बन क्या होता है, इस कार्बन से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो कार्बन को नीड करना है 4, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 3 शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन अभी भी इसके पास बचा होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक करेंट फ्लो करता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है। और डायमंड इसलिए हार्ड हो जाता है क्योंकि यहाँ पे चारों कार्बन का चारों इलेक्ट्रॉन 4 अलग अलग कार्बन एटम से शेयर करके एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है, सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बनता है, ठीक है। तो ये कोवेलेंट प्रॉपर्टी बिल्कुल भी रखता है, कोवेलेंट कंपाउंड की तरह वर्क करता है। तो डायमंड एंड ग्रेफाइट आर द कोवेलेंट कंपाउंड ऑफ द कार्बन एलिमेंट, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू स्टेटमेंट। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।